डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ में निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। आपको जैसा कि पता है, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लिए हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से कि क्या 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो 9 नंबर बोल रहा है, बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है क्या, -2 और 2, और बी का निर्देशांक कितना दिया है, 2 और 8, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि एक रेखाखंड है ए बी, उसको जोड़ा गया है, ए का निर्देशांक -2 2 और बी का निर्देशांक 2 8। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक यहाँ पे एक रेखाखंड है, सीधा लाइन खींचिएगा, मेरे से ये बीच में टेढ़ा हो गया है, तो बिंदु ए है और ए का जो निर्देशांक है वो -2 और 2 है, जबकि बी एक निर्देशांक है, बी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दोस्तों 2 8 है। इसको बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, 4 बराबर भागों में, बुक फटा हुआ है, अच्छा से देख लीजिएगा, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाला, यानी कि इस रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटना है दोस्तों। तो जब कोई भी रेखाखंड को जितने बराबर भाग में बांटना होता है, उससे एक बार कम करके हमें कट करना होता है। जैसे मान लिया कि एक अगर स्टिक है, छड़ी है, इसको अगर 2 बराबर भाग में बांटना होगा तो हमें एक बार चक्कू चलाना पड़ेगा। अगर इसी को हम लोग 3 बराबर भाग में अगर बांटना होगा तो एक बार यहाँ चक्कू, एक बार यहाँ चक्कू, यानी कि 2 बार कट करना पड़ेगा, तब ये 3 बराबर भाग में बटेगा। उसी तरीके से दोस्तों, इस ए बी जो रेखाखंड बन रहा है, इसमें हमें ए का निर्देशांक दिया है -2 और 2 और बी का निर्देशांक दिया है 2 8। इस ए बी रेखाखंड को दोस्तों 4 बराबर भाग में बांटना है, तो 4 बराबर भाग में बांटना है, इसलिए हम इसको कितने बार चक्कू चलाएंगे, इसको 3 बार, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये सर सबसे बड़ा हो गया, फिर ये हो गया, ये दोनों छोटा हो गया, तो आप अपने कॉपी में ऐसा ही बनाइएगा ताकि आपको चारों बराबर दिखने चाहिए। ये मेरे हिसाब से ये मेरा छोटा दिख रहा है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। हम चारों को बराबर भाग में बांट दिए, तो यहाँ एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि 4 बराबर भाग में हम बांटे हुए हैं, तो इसका डिस्टेंस भी एक मात्रक है, एक यूनिट है, और इसका डिस्टेंस भी एक यूनिट है, क्यू आर का भी एक यूनिट है और आर बी का भी एक यूनिट है। हम अपने से बिंदु जो उसके बीच का बिंदु हुआ, क्योंकि सवाल क्या बोला कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भाग में बांटना था, तो एक भाग हो गया ए पी, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर बी। ठीक है, यानी कि यहाँ चारों भाग बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी बराबर एक मात्रक की दूरी लिया गया है। ऐसा हम लोग क्या किए हैं, माने हैं। तो माना कि ए पी पी क्यू क्यू आर ये सब कितना है, एक मात्रक है, एक मात्रक को हम माने हुए हैं। अगर आपको ऐसा थोड़ा ना, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम जब बराबर है तो हम दो 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 भी मान सकते हैं, हम लेके हाँ भाई कितना भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए पी को 4 मानेंगे तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि सब ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक, ये एक। ठीक है, तो जब आप पी बिंदु के लिए देखेंगे, क्योंकि इसके बीच में
ए और बी के बीच में कितना बिंदु है? तो एक पी बिंदु, क्यू बिंदु और आर बिंदु। तो इसके बीच वाले जितना भी बिंदु है उस सब का निर्देशांक निकालना है दोस्तों, यानी कि पी का भी निर्देशांक निकालना है, क्यू का भी निर्देशांक निकालना है, आर का भी निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो जरा आप समझिए बात कि हमें दिया है, क्या दिया है? तो दिया है दोस्तों, जो दिया है ये हो जाता है एक्स वन और ये हो जाता है वाई वन, वैसे ये हो जाएगा एक्स टू और ये हो जाएगा वाई टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स वन इज इक्वल टू कितना? माइनस टू, ठीक है। वाई वन का वैल्यू कितना दिया है? टू, ये वाला एक्स वन वाई वन, यहाँ एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू का वैल्यू कितना दिया? टू, और कॉमा वाई वाई टू का वैल्यू एट, ये टू और एट से टू एट हो गया। अब हम अलग अलग बिंदु के लिए चलेंगे, पी बिंदु के लिए। पी बिंदु के लिए अनुपात का बात कर लेते हैं, पी बिंदु के लिए अनुपात। दोस्तों जब आप पी बिंदु के लिए देखिए, हम चूंकि विभाजन सूत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, तो विभाजन सूत्र में एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन एम टू का भी यूज होना चाहिए, ठीक है। तो पी बिंदु के लिए जब हम लोग को अनुपात जरा देखना होगा, तो पी बिंदु के लिए अनुपात कैसे देखते हैं? तो पी बिंदु के लिए जब आपको अनुपात देखना होगा तो पी पर बैठना है, पी पर आप बैठ गए और पी के बाएं तरफ, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठते हैं, ठीक है, हम यहाँ बैठते हैं तो मेरा बायां इधर होगा और मेरा दायां इधर होगा। तो बाएं तरफ ए के देखिए, ए तक देखना है, बाएं तरफ ए तक देखना है, तो कितना अनुपात? एक अनुपात, पहले बायां का लिखा जाता है अनुपात। जब पी के दाएं तरफ बी देखिए, क्योंकि दो ही छोर है ना, हमेशा छोर पे ध्यान देना है, क्योंकि इसके बीच का ना बिंदु पी क्यू आर है, लेकिन अंत बिंदु कहाँ है? अंत छोर तो ए है और इसका अंत छोर बी है। तो जब कभी भी हम लोग बीच में बैठेंगे, हम लोग को कहाँ देखना है? अंत तक। तो यहाँ अंत छोर तक देखेंगे, तो बाएं तरफ अंत छोर तक कितना दिखता है? एक। और उसी तरीके से पी से जब डी तक देखेंगे तो एक मात्रक, दूसरा मात्रक और तीसरा मात्रक, यानी कि तीन के अनुपात में दिखेगा, तो एक अनुपात तीन हो गया। तो दोस्तों एक अनुपात तीन का मतलब एक हो गया हम लोगों का एम वन और तीन हो गया हम लोगों का एम टू। तो अब हम पी का निर्देशांक निकाल देंगे। पी का निर्देशांक कौन सा फार्मूला से? तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र लगाना जानते हैं, क्या फार्मूला होता है जरा लिख देते हैं। एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू, ठीक है। सॉरी, ये छोटा ब्रैकेट दिया जाता है यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट नहीं दिया जाता है, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबका वैल्यू इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट का ब्रैकेट में ही आंसर लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो कभी नहीं। एम वन का वैल्यू क्या यूज करना है? वन। और एम टू का वैल्यू क्या यूज करना है? तीन। यानी कि जहाँ एम वन एम टू है उसके जगह पर इतना रखेंगे, और एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू पहले ऊपर दे ही दिया है। तो जैसे आप पी बिंदु के लिए निर्देशांक यहाँ पे आंसर आएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा पुनः पुनः क्यू बिंदु के लिए। सबसे पहले आप सभी बिंदु के लिए अनुपात देखिएगा, अनुपात के लिए अनुपात, ठीक है। तो क्यू बिंदु के लिए अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्त? तो आपको जो है ना क्यू पे बैठना है, क्यू पे बैठना है तो बाएं छोर देखना है, बायां छोर ए है, तो बाएं छोर देखेंगे तो एक और एक, बाएं तरफ की दूरी कितना हो गया? दो, और दाएं तरफ की भी दूरी कितना? दो। तो यहाँ पे जो अनुपात हो गया दो अनुपात दो हो गया, तो एम वन के जगह पे भी टू और एम टू के जी के जगह पे भी टू। तो इसके लिए जब लगाइएगा, अब इसका क्या, अब नहीं, अब लिखिएगा यहाँ पे नीचे क्यू का निर्देशांक, क्योंकि ऐसे ही सबका निर्देशांक लगाना है। क्यू का निर्देशांक का फार्मूला एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू,
कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बट्टा में एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इससे चलिएगा, इस बार एम वन के जगह पर और एम टू के जगह पर कितना कितना रखना है, टू टू, क्योंकि अनुपात बदला है। और दोस्त एक्स वन वाई वन वही वाला जो शुरू वाला, ये वाला एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू का सब में इस्तेमाल करना है, लेकिन सब बिंदु के लिए अनुपात बदल जाएगा, क्योंकि आप पी बिंदु पर रहिएगा तो एक अनुपात इधर तीन, क्यू पे रहिएगा तो इधर भी दो और इधर भी दो, अगर आर पे रहिएगा तो इधर हो जाएगा तीन। उसी तरीके से फिर जब इसका आंसर निकल जाएगा, हमेशा ब्रैकेट में ही लिखना है, ठीक है, और बीच में कॉमा देना रहता है, क्योंकि कॉमा के पहले वाला ये एक्स निर्देशांक और ये हो जाता है वाई निर्देशांक। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम पी का और क्यू का निकाल रहे हैं, वैसे ही आप आर का भी निकालेंगे। तो यहाँ आर का, आर के लिए, आर बिंदु के लिए अनुपात, आर बिंदु के लिए अनुपात, तो आर बिंदु के लिए अनुपात कैसे होगा, तो जब आप आर पे रहिएगा, आर पे बैठेंगे, तो इधर कितना अनुपात में है, बाएं तरफ एक दो तीन, तो यहाँ पे बाएं तरफ हो जाएगा तीन और दाएं तरफ हो जाएगा एक, तो तीन अनुपात एक पर इसको बनाना है। यानी कि आर बिंदु के लिए आपको एम वन इस्तेमाल करना है तीन और एम टू इस्तेमाल करना है वन। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को इसी तरीके से, यानी कि आर बिंदु के लिए अनुपात जो है ये होगा, और आर बिंदु का निर्देशांक में एम वन और एम टू को इस तरीके से यूज करना है। देखिए ध्यान रहे, एम वन एम टू हर बिंदु के लिए बदलेगा, पी के लिए अलग, क्यू के लिए अलग, आर के लिए अलग, और सबके लिए एक्स वन एक्स वाई वन एक्स टू वाई टू वही रहेगा। तो सब के लिए आप विभाजन सूत्र का फार्मूला यूज करके पी का भी यहाँ पे आंसर निकालना है, क्यू का भी आंसर निकालना है और आर का भी निकालना है। तो आप समझ रहे हैं ना चीज़ें, हम सिर्फ आपको हिंट्स दे दिए हैं, आप पी के लिए भी आंसर लाइएगा, क्यू के लिए भी इससे चलते चलते आंसर लाइएगा, और आर के लिए भी एम वन एम टू बता दिए हैं और आप उसका निर्देशांक निकालिएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जरा क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देते हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, समचतुर्भुज, नाम ही है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजाएं जिसकी बराबर हो, सम चतुर्भुज कहलाती है, और साथ ही साथ आमने सामने का समांतर भी हो। देखो भाई, अगर हम सम चतुर्भुज बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ग हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है वो वर्ग भी कहलाता है, लेकिन सम चतुर्भुज में होता है कि ये आमने सामने का पैरेलल होता है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष क्या क्या दिया है जरा फटा हुआ है देख लेते हैं। तो जिसका शीर्ष दिया है 3045 -14 और -2 -1, और क्रम में दिया है का मतलब क्या, चारों भुजाओं कोनों को लगातार लिखना है। ठीक है, चारों कोनों को लगातार लिखना है। तो अच्छा, हिंट्स के संकेत में भी दिया है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सम चतुर्भुज होता कैसे है। तो 10वां क्वेश्चन नंबर में आप पहले सम चतुर्भुज बनाइएगा, तो हम सम चतुर्भुज का मतलब जिसका चारों भुजा बराबर, ठीक है, तो ये समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर भी है और उसके आमने सामने की भुजा समांतर भी है। जैसे मान लिया कि भुजा का कोण का नाम ए बी सी और डी, ठीक है, चारों कोण हो गया,
इसके शीर्ष कौन कौन से हैं? ए बी, तो ये चारों जो शीर्ष हैं इस समचतुर्भुज के, तो इसमें हमें जो दिया है लगातार के कैटेगरी में रखना है। हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो इसका दिया है 3 0, फिर दिया बी का मान लिया 4 5, सी का मान लिया -1 4, डी का मान लिया -2 -1, ठीक है। तो समचतुर्भुज के चारों बिंदु हमको पता हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 1/2 × उसके विकर्णों का गुणनफल, ये हम लोगों को हिंट्स में दिया है, ठीक है। 1/2 × उसके विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कि हम लोगों को इसका क्या निकालना है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि, यहाँ लिखिएगा, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समचतुर्भुज का होता है फॉर्मूला 1/2 × उसके विकर्णों का गुणनफल, लिखा हुआ है ना, उसके विकर्णों का गुणनफल। अगर याद नहीं भी है फार्मूला तो भी देखिए, उसके विकर्णों का गुणनफल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे विकर्ण किसको किसको बोलते हैं, तो जब तिरछा तिरछी कोणों को अगर मिलाया जाता है तो हम लोग उसको विकर्ण कहते हैं। एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा लाइन हो गया, सीधा आप कर दीजिएगा सीधा लाइन। हाँ, सवाल क्या है, 1/2 × विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण हो गया बी डी, यानी कि इसको डी बी बोलिए चाहे बी डी बोलिए, तो एक विकर्ण हो गया बी डी गुना, गुणनफल माने गुना। दूसरा विकर्ण क्या हो गया, ए सी, या इसको सी ए बोल सकते हैं, तो ए सी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको बी डी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बी डी भी तो यूज होगा और एसी भी तो यूज होगा। तो आप यहाँ पे अब चलिएगा, अब दूरी सूत्र से आप जो है ना, दूरी सूत्र से बी डी निकाल लीजिए। दूरी सूत्र से क्या निकाल लीजिएगा, बी डी, यानी कि ये रहा हम लोगों का बी डी, ठीक है। तो दूरी सूत्र से जब आप बी डी निकालिएगा तो दूरी सूत्र का फार्मूला यूज करके, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ना, हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके बी डी निकालेंगे। अब बी डी कैसे निकलता है, तो इसका फार्मूला है x1 - x2। हम किसी को भी किसी में कर सकते हैं, जब इसमें से इसको घटा रहे हैं ना तो इसको भी इसी में से घटाना पड़ेगा। तो ये -2 - 4 का क्या होल स्क्वायर, और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो प्लस करके -1 तो ऑलरेडी है, और इसको कर देंगे -5 का होल स्क्वायर। आगे का कर लीजिएगा, ये -2 और -4 हो जाएगा -6, ठीक है, और ये -1 और -5 मिलके -6, तो इसका भी हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर क्या हम कह रहे हैं कि आप जो है ना, इनका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो जैसे हम बी डी निकाल रहे हैं, और ध्यान रखिएगा रूट के अंदर जो आएगा, पहले इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका जो स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लेना है, और वर्गमूल जितना आएगा, ठीक है, उसको बी डी के जगह पर रख देना है। और फिर वैसे ही दोस्तों ए सी भी आपको निकालना है, समझ पा रहे हो ना। तो ए सी कैसे निकलेगा, तो ए भी ए सी जो है दूरी सूत्र से निकलेगा। ए 3 और ये -1 हो जाएगा, x1 - माने कि ए सी निकाल देना है, दूरी सूत्र से ए सी यूज करना है। दूरी सूत्र का फार्मूला ऐसे ही लगाना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ए सी आपको निकाल लेना है दूरी सूत्र का यूज करके,
तो अगर पूरा पूरा उसका वर्गमूल निकलेगा तो निकाल देना है, नहीं तो रूट में छोड़ देना है। तो अब क्या करना है, जब BD भी निकल जाएगा और AC भी निकल जाएगा दूरी सूत्र से, फिर आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिख दीजिएगा 1/2 गुने BD, BD के मान जितना आएगा और गुने AC का मान जितना आएगा, और सबको कट रहा होगा तो कट कर दीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों का देख पा रहे होंगे कि 7.2 एक्सरसाइज का जो 2 क्वेश्चंस बच रहे थे, ये हम लोगों का फुली कंप्लीट डाउन हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से हम इसको कर चुके हैं। तो आप इस दोनों क्वेश्चंस को, सिर्फ हम हिंट्स दिए हुए हैं, आप दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर से जरूर बनाइए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।